बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अल्लाह पाक फजल करम शुक्र के साथ आज वीडियो करते हैं शुरू। तो आज यार रिक्शे पर पहला दिन अभी मैं खड़ा हूँ पति चौक का जो ब्रिज है खुला उस पर खड़ा हूँ। तो एक राउंड मैंने लगा ली है, ये देखिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इधर कम है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जब उसके स्टॉप क्रॉस करते हैं। तो पहले दिन ही रिक्शा निकाला तो पंचर हो गया, पंचर लिखवाया तो उसको जब फिटिंग करने लगे उस कंपनी के तीन जो नट बोल्ट होते हैं वो टूट गए, टूट गए उसको सही करते वक्त, फिर मैकेनिक के पास ले जाकर इसका वो जो कंपनी उसको ठीक करवाया, जो नट बोल्ट टूट गए थे वो नए लगवाए, उसके बाद रोड पर निकाला। एक ये वाला और एक ये वाला, ये आप देख रहे हैं ये तीनों नए हैं। तो ये थोड़ी देर पहले दो घंटे पहले मैंने नए डलवाए थे। ये टोटल होते हैं आठ नट बोल्ट होते हैं और तीन टूट चुके थे, चार बाकी थे, ठीक करवाने के बाद इसको रोड पर निकाला था। उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा रोड पर मैं निकालूंगा या चल सकेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा हो गया उसको खड़े हुए, जंग लग गया था, कोशिश ख़राब हो गई थी, इंजन का भी बेड़ा गर्क हो गया था। तो पैसे तो लगे हैं लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये ठीक हो गया, छत में रहने दिया भाई, वो छत महंगा दे रही थी, लेकर सात ले रहे थे 5,000 का, तो वो मेरी समझ में नहीं आया इसलिए मैंने इसको लगे रहने दिया, पुराने कोई काम दे रहा था। यह पति चौक एक इस तरफ छोटी सी पार्क है और एक इस तरफ छोटी सी पार्क है, इसी तरह सामने भी जब ये रोड क्रॉस हो जाएगा ब्रिज इसी तरह एक पार्क उधर है और एक पार्क इधर है, चारों तरफ पार्क है जो मुसाफिर हैं उनके बैठने के लिए, तो बहुत ही खूबसूरत लगती है ये। अभी मैं बैठा हूँ पति चौक पार्क में, खुद को रेस्ट दूंगा और रिक्शा खड़ा कर दिया उसको भी रेस्ट दूंगा, क्योंकि काफ़ी देर से काफ़ी टाइम से वो भी चल रहा था और मैं भी चल रहा था उसके साथ। तो अभी मैंने उसको खड़ा कर दिया है, तकरीबन 20 मिनट इसको खड़ा करेंगे ताकि इसका जो इंजन है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, काफ़ी चलने के बाद इसको खड़ा किया है इसी वजह से 20 मिनट को जैसे हम बोलते हैं कि इसको रेस्ट देंगे, सांस मतलब कि इसको सांस मारने देंगे पंजाबी में। तो खड़ा कर दिया है, मैं बैठा हूँ पार्क में, रिक्शा काफ़ी दूर है, इधर से नज़र नहीं आएगा, वो एंड पे है, तो वहाँ खड़ा करके मैं आ गया पैदल इधर। तो अभी मैं भी थोड़ी देर बैठूंगा इधर, ये पार्क आप देखें, बहुत ही प्यारी है। वो सामने पति चौक का ब्रिज है, शाम अभी होने वाली है, कुछ ही मिनट बाद मगरब की जो अजान है वो शुरू हो जाएगी, सूरज ग्रूब हो चुका है, ग्रूब होने पर आ गया, तो कुछ ही मिनट बाद मगरब की अजान शुरू हो जाएगी, तो हम भी यहाँ से चले जाएंगे अपने वापस काम पर। देखिए वो सामने बैठा था और ये सामने रिक्शा खड़ा है, अब ये कावा मगरब की अजान होना शुरू हो गई, मैं जा रहा था तो कावे पर भाई ने कावा कप लगवा लिया और ये लाइट ये लगाने लगा था लेकिन ये ख़राब निकल आई। अभी हो रहे हैं 7:45 और मैं खड़ा हूँ मून मार्केट अलामा कबाट और मून मार्केट जिसको दुबई चौक भी बोलते हैं, ये उसकी मार्केट है। ये रात का व्यू है बत्ती चौक का, ये स्टॉप है ये वाला, चिंची यहाँ पर रुकते हैं आकर। अभी खाएंगे चिप्स, गरम गरम चिप्स है, अभी ये शेराकोट में खड़ा हूँ, यहाँ पर एक भाई ये लगा था काफ़ी पुरानी उसकी शॉप है, तो पहले मैं काफ़ी जगह खा चुका हूँ, इससे बहुत मज़े की चिप्स होती है इनकी। तो अभी मैं यहाँ पर आकर ब्रेक लगाई थी, भाई गरम गरम निकाल रहा था तो मैं ली भाई से, भूख लग रही थी हल्की हल्की, तो घर जाने में भी टाइम है, पहले खाएंगे चिप्स उसके बाद जाएंगे आप स्टॉप पर, वहाँ से वापसी में जाएंगे घर, 1 घंटा मुझे लग जाएगा अभी। और घर में आ चुका हूँ और ठंड बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं आते ही हाथ धोए और बिस्तर में आ गया, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो पैर बहुत ठंड रहे थे,
खाना भी खाने लगा हूँ मैं, खाना तैयार हो गया, ये मेरे पास ही पड़ा है, अभी खाने खाने लगा हूँ। खाना खा के तो फिर करेंगे आराम, वीडियो कहीं करते हैं ये भी खत्म। हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ रहे, अर्शी को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।